इस बीच रियासी दहशतगर्दाना हमले की जांच के सिलसिले में 20 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया है। और राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्या कुछ चल रहा है सर्च ऑपरेशन में, क्या कुछ इनपुट्स मिल पाए हैं? खबर यह भी है कि 20 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है, कितना दायरा बड़ा है इस सर्च ऑपरेशन का? विशाल, देखिए कि इसमें बहुत एक अहम अपडेट भी सामने आया है। इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक निकल के आया है कि इसमें 4 जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, वो उन्होंने एक लोकल की मदद के साथ इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है। और जो रेकी है, और इस हमले से पहले उस रेकी की गई थी कि कब जो बस है वो कितने बजे निकलती है यहाँ से, और कब तक शाम के कितने बजे तक जो लास्ट बस है वो निकलती है इस इलाके से, तो तमाम तरह से रेकी की थी। लोकल स्पोर्ट भी जो है इसमें सामने आया है, और उसके चलते लगभग जो है 15 से 20 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए, यानी कि उनसे पूछताछ के लिए उनको उठाया गया है। और पूछताछ जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो की जाएगी, क्योंकि इस जिस तरह से पिछले हमलों में हमें देखने में आया कि जो रेकी जो होती है वो जो OGW या लोकल स्पोर्ट जो उनकी होती है उनकी तरफ से करवाई जाती है, तो इस केस में भी यही लगता है कि जो लोकल स्पोर्ट है और जल्द से जल्द उनको यहाँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये रियासी और राजौरी की जो बॉर्डर लाइन है उस पे ये जो है इंसिडेंट हुआ था, और तो उसके बाद दोनों जिलों में जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पे है, और दोनों तरफ ही जो है दोनों जिलों में जो है एक तलाशी अभियान बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है वो चलाया गया है। ऐसे में पुलिस के पास बहुत सी इनपुट्स आ रही हैं। हमारी पुलिस से जो बात हुई है उनका कहना है कि बहुत से लोग जो हैं वो इनपुट्स उनको दे रहे हैं कि उन्होंने जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट किया है, लेकिन उन जो जितने भी साक्ष्य हैं उनको देखना होगा, उन तथ्यों को हम देखेंगे कि कितना सही है, कि क्योंकि ऐसे में कई लोग अफवाह भी फैलाते हैं। उनका इरादा यह होता है कि जो उनका इलाका है वो सैनिटाइज हो जाए ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि उनके इलाके में वो आतंकवादी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज भी जो है, हालांकि पुलिस जो भी उनको क्लू अब तक मिले हैं उनको उस पर उन्होंने काम किया है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो संयुक्त अभियान चलाया हुआ है दोनों जिलों में वो अभी भी है। अभी मैं जहां मौजूद हूं यहां पे DIG पुलिस मोहम्मद रईस भट्ट जो हैं वो मौजूद हैं, हम कुछ देर में उनसे भी कुछ अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक विशाल अपडेट यही है कि जो तलाशी है उन आतंकवादियों की, जो एक अभियान चलाया हुआ है वो अभी भी यहां जो पहाड़ी रेंज है, जंगल के इलाके हैं वहां पे जो है सेना और पुलिस और SOG की तरफ से चलाया हुआ है। अब कोशिश यही है कि वो जो आतंकवादी हैं वो यहां से बच निकलने में कामयाब ना हो पाए, और उसी के लिए जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त बना रहे हैं। जी विशाल जी, तो क्या ये माना जाए राजन कि जैसा आपने बताया कि रेकी की गई थी और बाज़ाब्ता बस के टाइमिंग वगैरह का इसको उस पर जो है मंथन किया गया था, तो क्या इसको हम ये माने कि कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो गए? तो क्या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे कहीं चूक हुई, क्या ऐसा माना जा सकता है? अब बिल्कुल, देखिए अब तक जब पहले दिन जब अटैक हुआ था आपको याद होगा कि तब SSP रियासी ने जो बयान दिया था कि उन्होंने उनके पास कई इनपुट्स थे जिसके चलते सभी श्राइन्स की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई थी, और ऐसे में कुछ स्पेसिफिक इनपुट जब दूसरे दिन हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक इनपुट ये नहीं था कि श्रद्धालुओं पर हमला होने वाला है। हाँ, ये इनपुट्स था कि इस इलाके में जो कुछ आतंकवादी मौजूद हैं और कुछ ऐसी घटना को
अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते हाई अलर्ट पहले से ही घोषित किया हुआ था। तो ऐसे में सवालिया निशान तो विशाल लगेंगे, क्योंकि यदि यह मालूम था वो श्राइन की जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, तो कहीं ना कहीं जो ये आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंचे, उनके पास जो वेपन्स हैं ये कहां से आए, किसने उनको सपोर्ट किया, कहां से, क्योंकि जो जो बेल्ट है, टेरेन है, ये टयाट का जो इलाका है ये कनेक्ट करता है रियासी को रजौरी के साथ, तो यानी कि रजौरी से ये जो प्राइमी फेशिया निकल के आया है कि ये रजौरी से जो है यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और लोकल किस इन्होंने सपोर्ट लिया है, जिन्होंने इनको रूट बताया है कौन सा सेफेस्ट रूट इनके लिए रहेगा, और स्केप का भी रूट जो वो जो इनका जो लोकल हेल्प होगा उसने इनको बताया होगा। तो ऐसे में जो इनपुट्स पुलिस के पास पहुंची उसी के बेसिस पे क्वेश्चनिंग के लिए कुछ लोगों को उठाया हुआ है, उनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये पुलिस के साथ हम पूछेंगे, और वो अब देखेंगे कि किस तरह की इनपुट्स और लीड्स जो हैं पुलिस के पास पहुंची हैं, और क्या वाकई ही वो जो लीड्स हैं वो इस ऑपरेशन में पुलिस को फायदा दे सकती हैं।